घरेलू शेयर बाजार शुक्रवार को सपाट स्तर पर बंद हुआ। महत्वपूर्ण घरेलू आर्थिक आंकड़ों के आसन्न जारी होने के कारण निवेशकों ने सावधानी बरती। 29 फरवरी को प्रकाशन के लिए भारत की तीसरी तिमाही की जीडीपी का डेटा, जनवरी का राजकोषीय घाटा और 8 बुनियादी ढांचा उद्योगों की जानकारी शामिल है। रुपया 82.84 प्रति डॉलर के पिछले बंद स्तर के मुकाबले 82.94 प्रति डॉलर पर बंद हुआ। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एलएलसी के साथ ऑर्केस्ट्रा टेक्नोलॉजी का विलय कर दिया गया है। ग्रासिम इंडस्ट्रीज ने 500 करोड़ रुपए का कमर्शियल पेपर चुकाया है। ऑर्किड फार्मा को एनमेटाजोबैक्टम के लिए यूएस एफडीए मंजूरी प्राप्त हुई है। एचडीएफसी बैंक को एचडीएफसी क्रेडिला फाइनेंशियल सर्विसेज की 90% हिस्सेदारी की बिक्री के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी मिल गई है। सीएट बीसीसीआई ने आईपीएल के लिए आधिकारिक भागीदार के रूप में सीएट को चुना है। जेन टेक्नोलॉजीज ने एआई ट्यूरिंग टेक्नोलॉजीज में 51% हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। अशोक लीलैंड ने टीवीएस ट्रक्स में 24.95 करोड़ रुपए का निवेश किया है। किर्लोस्कर फेरस इंडस्ट्रीज ने बाजार की स्थितियों के कारण हिरियुत प्लांट में मिनी ब्लास्ट फर्नेस के संचालन को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। थायरोकेयर टेक्नोलॉजीज ने नितिन चुग को सीसीओ नियुक्त किया है। जैगल को बेनेटन इंडिया से कॉन्ट्रैक्ट मिला है। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर को वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी से लेटर ऑफ अवार्ड मिला है। रेमेडियम लाइफ केयर हैदराबाद के पास एक विनिर्माण सुविधा के अधिग्रहण पर विचार करने के लिए 7 मार्च को बैठक करेगा। बायोकॉन ने बायोकॉन जेनेरिक्स के लिए 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कॉरपोरेट गारंटी जारी की है। केआरबीएल को बैंक सुविधाओं और वाणिज्यिक पत्र के लिए इकरा से क्रेडिट रेटिंग में पुनः पुष्टि प्राप्त हुई है। महिंद्रा हॉलीडेज एंड रिसॉर्ट्स इंडिया ने 1 अक्टूबर 2024 से आशुतोष पांडे को कंपनी का चीफ बिजनेस ऑफिसर नियुक्त किया है। आदित्य बिड़ला कैपिटल ने आदित्य बिड़ला कैपिटल डिजिटल में 50 करोड़ रुपए का निवेश किया है। इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया ने दिल्ली में एक नए मल्टी ब्रांड स्टोर का कमर्शियल ऑपरेशन शुरू किया है। एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी ने उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित 50 मेगावाट की गुजराई सौर ऊर्जा परियोजना शुरू की है। सुवेन फार्मास्यूटिकल्स की यूनिट 3 और 5 ने यूएस एफडीए निरीक्षण क्लियर कर लिया है। मणप्पुरम फाइनेंस ने एनसीडी जारी कर 600 करोड़ रुपए जुटाने की मंजूरी दे दी है। पंजाब एंड सिंध बैंक 2000 करोड़ रुपए तक फंड जुटाने पर विचार करने के लिए 28 फरवरी को बैठक करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब 10 शेयर्स।